नमस्कार, कुंभ दर्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कुंभ दर्शन यानी प्रयाग क्षेत्र का वर्णन, कुंभ दर्शन यानी नदियों की कीर्ति। ऐसे पतित पावन क्षेत्र में कथाओं का आयोजन चल रहा है और पूज्य संत कथा भागवताचार्य जी से आपको आशीर्वचन दिलवा रहे हैं। इसी के तहत हमारे साथ पंडित महेश चंद पत्सरिया जी हैं, इनसे जानेंगे। ये वृंदावन के हैं। पूज्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रयाग क्षेत्र में आयोजन, धार्मिक आयोजन चल रहा है, कुंभ क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके बीच के अगर महात्म को देखा जाए, यहाँ की महिमा को देखा जाए, तो किस तरीके से आप अपने वचन में वर्णन करेंगे? मैं अपने वचनों में ऐसे वर्णन करूँगा जैसे कि देवताओं ने अमृत पिया। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो एक अमृत की तरह कथाओं का रसास्वादन पान कर रहे हैं और अच्छे कर्मों के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने संत लोग हैं, जितने महात्मा हैं, सभी लोग आकर के आज सभी भक्त बंधुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी जितने लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी ने की है और बहुत अच्छा यहाँ पे बंदोबस्त है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है। गंगा मैया की धरती में आने की, गंगा मैया की गोदी में बैठ कर के जो कथा करने का आनंद है, सुनने का आनंद है, उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। और देवता भी इस चीज़ के लिए तरसते रहते हैं कि हमें गंगा मैया की शरण में बैठ कर के श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने का मौका, अवसर प्राप्त हो। जिस समय पर स्वामी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत श्रवण करा रहे थे, तो उस समय देवताओं ने, खुदों ने आकर के सुखदेव जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी, आप ये कथा परीक्षित को ना सुना के आप हमें सुना दें, हम परीक्षित को अमर कर देंगे। तब सुखदेव जी कहते, देखो देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है ना, वो सिर्फ अमर कर सकता है, लेकिन भागवत गंगा की तलेटी में और प्रयागराज में ये जो भागवत है, जीव को अमर भी करती है और जीव की मुक्ति भी करती है। यहाँ का बड़ा आनंद विशेष महत्तम है, जबकि प्रयागराज सारे तीर्थों का राजा होते हुए भी आज वो प्रयागराज में जितने लोग आए हैं वो सभी बड़ा बधाई के पात्र हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कार्य, शुभ कार्य किए, जो उन्होंने गंगा मैया की गोद में आकर के आज वो भागवत कथा स्मरण पान कर रहे हैं और अच्छे शुभकामों में इस कुंभ नगरी में आकर के, इस प्रयागराज नगरी में आकर इस कुंभ में अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परश्य, आपने यहाँ की कथा के बाद वर्णन किया, हम यहाँ एक चीज़ और सुनते आ रहे हैं। कई संत भगवंतों से हमने ये सुना कि यहाँ पे कथा का महात्म्य तो है ही, संग संग स्नान दान का भी बहुत अच्छा महात्म्य है। कहा जाता है कि अगर आप क्षेत्र में आए हैं, त्रिवेणी में स्नान करें और संत भगवंतों के सानिध्य में अगर आप कथा पान करते हैं तो बड़ा ही महत्व होता है और पुण्य के भागी बनते हैं। इसके साथ अगर हम ये भी जानना चाहें कि आखिर में इसके अलावा भी और क्या क्या धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देने से पुण्य के साक्षी बन सकते हैं आप? देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ पे स्नान करने से तीन काले जन्म पापे पाप विनशति, तीन जन्म के पापों का विनाश होता है। और अक्षय वट, जो भगवान श्री राम जिस अक्षय वट के नीचे आकर उन्होंने आश्रय लिया, उस अक्षय वट के दर्शन करके जीव के सप्त जन्मों के पापों का विनाश होता है। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो गंगा मैया साल में उनको एक बार स्नान कराती है और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ पर कई धार्मिक स्थान हैं, जैसे कि बैणी माधव, उसके लिए लोग कहते हैं बैणी माधव सब काम साधव। जो बैणी माधव के दर्शन करते हैं, बैणी माधव भगवान उनके प्रत्येक कार्य को पूरा करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। स्नान, ध्यान, जप, अर्चन, ये तो सब जीव अपने भाग से ही कर पाता है। और तो और गंगा मैया के कहते हैं कि और तीर्थों का नहान और गंगा जी का पान दोनों एक समान, गंगा मैया के दर्शन ही जीव को हो जाएं तो जीव के पापों का विनाश हो जाता है। ये इस जन्म की इस भूमि का बड़ा महत्व है। इस भूमि में बैठ कर के स्नान, ध्यान, जप, अर्चन, पाठ, पूजा, संत दर्शन, कथा, ये सब बड़े भागों से मिलता है। परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर जो हमको दिया है, ये अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। प्रत्येक जीव को मनुष्य तन लेकर के अच्छे कर्म करने चाहिए। आपने सही कहा, और आपको भी शायद प्रसंग की जो चर्चा यहाँ पे हुई, यहाँ पे किस किस तरीके से आना चाहिए, क्या क्या दार्शनिक स्थल है, किन किन जगहों पे जाना था, इनके पीछे अगर हम एक प्रश्न आम जनमानस से उठाना चाहें, इस आयोजन के अलावा अगर उठाना चाहें, ये कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, हर व्यक्ति पैसे के पीछे या सुख सुविधाओं की भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है,
इसके साथ अगर धर्म से वो जुड़ना चाहे कम समय में अंतराल में, तो क्या कुछ करना चाहिए उसको? उसके लिए कम समय के लिए वैसे यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिरनर उतर ही पारा। परम पिता परमात्मा का नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नाश्तव 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 गणता। परम पिता परमात्मा का नाम ही जीव का भवसागर से पार करने वाला और जीव की मुक्ति करने वाला है। जीव कुछ भी नहीं कर सकता है तो सिर्फ इतना ही कर ले कि वो गौ का ध्यान कर ले, गंगा स्नान कर ले और अपने माता पिता की सेवा कर ले, उसी में उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपके पारस, आपके लिए जो चैनल वाले भैया हैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, जो जय पारस चैनल है ये आगे जाकर के बहुत ऊंची बुलंदियों पर पहुँचेगा और सब जगह पर अपना नाम का झंडा फहराएगा। पुरुषी का आशीर्वाद हमें भी मिला और हम अपने माध्यम से आप तक आशीर्वचन पहुँचाए। और इस पूरे प्रकरण में आपने ये भी सुना कि अगर आप अपने माता पिता जी और गंगा मैया संग संग गौ माता की सेवा करते हैं तो आपके भी जीवन में खुशहाली आएगी। सनातन धर्मी है आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं धर्म को सजोए रखने के साथ साथ। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, और भी संत महात्माओं से मिलेंगे और उनके आशीर्वचन आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए यही दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जय प्रयागराज।